भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु में खेले जा रहे टेस्ट मैच में सरफराज खान ने शानदार शतक जड़ दिया है। सरफराज के इस शतक ने न्यूजीलैंड की नींद को उड़ाने का काम किया है, क्योंकि पहली पारी की उनकी बड़ी बढ़त से भारत अब उभरता नजर आ रहा है। बेंगलुरु टेस्ट की पहली पारी में 46 रन पर सिमट जाने के बाद टीम इंडिया से शायद ही किसी ने वापसी की उम्मीद की होगी, लेकिन अब सरफराज खान के शतक ने उम्मीद की लौ जगा दी है। सरफराज ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जमाते हुए न्यूजीलैंड का काम मुश्किल कर दिया है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में भारत के खिलाफ 356 रनों की बढ़त बनाई थी। सरफराज के शतक की बदौलत टीम इंडिया कीवियों की उस बड़ी बढ़त से अब उभरती नजर आ रही है। सरफराज खान ने बेंगलुरु टेस्ट में 109 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। ये शतक उन्होंने 13 चौके और 3 छक्के की मदद से लगाया। सरफराज खान के टेस्ट करियर का ये पहला शतक भी है, जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने अपने चौथे टेस्ट मैच में ही लिख दी थी। इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 3 अर्धशतक दर्ज हो चुके हैं। वहीं अब जब न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपने टेस्ट करियर का पहला शतक उन्होंने लगाया, तो भारत के लिए खेलना और शतक जड़ना सिर्फ सरफराज का ही सपना नहीं था, बल्कि पूरे खान परिवार का ये सपना था। उनके पिता नौशाद खान ने अपने दोनों बच्चों सरफराज और मुशीर खान को भारत के लिए खिलाने का सपना देखा था। इसके लिए उन्होंने मेहनत भी काफ़ी की थी। सुबह उठकर बच्चों को मैदान लेकर जाना और आर्मी जैसी ट्रेनिंग कराना उनका रोज़ का काम था। इसका फल अब पूरे खान परिवार को मिलता नजर आ रहा है। जहाँ अब सरफराज भारत के लिए खेल रहे हैं, तो छोटे भाई मुशीर घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा कर रहे हैं। जब शतक जड़ने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सरफराज खान ने सेलिब्रेशन किया, वो सेलिब्रेशन ही अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा था। सरफराज खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में तमाम शतक लगाए हैं, लेकिन ये उनका पहला इंटरनेशनल शतक था, इसलिए यह पल उनके लिए सबसे ज़्यादा खास था, जिसको उन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट भी किया। आपको बता दें कि सरफराज का सफर यहां तक आसान बिल्कुल नहीं रहा है। सरफराज खान को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सीधे जगह नहीं मिलती है, उन्हें किसी खिलाड़ी के अनफिट होने का हमेशा इंतजार करना पड़ता है। हालांकि ये खिलाड़ी हर मौके का पूरा फायदा उठाता है। सरफराज को इस टेस्ट मैच में शुभमन गिल के अनफिट होने की वजह से टीम में जगह दी गई थी, और अब इस खिलाड़ी ने दूसरी पारी में शतक जड़ दिया। बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ इस साल की शुरुआत में डेब्यू के बाद 7 पारियों में उन्होंने 4 बार 50 का आंकड़ा भी पार किया है। सरफराज इस सदी में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट शतक बनाने वाले केवल 7वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। वे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली और अजिंक्य रहाणे की सूची में अब शामिल हो गए हैं। सरफराज खान पहली पारी में 0 पर आउट हुए थे, लेकिन दूसरी पारी में वो हीरो साबित हुए हैं। सरफराज से अब टीम इंडिया को उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई है। सरफराज भी ये ज़रूर जानते होंगे कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। टीम इंडिया को अगर जीत यहाँ से चाहिए तो उन्हें और मेहनत करनी होगी, तो उन्हें अपने पहले टेस्ट शतक की ओर और विशाल करना होगा। उन्हें दोहरा शतक भी जड़ना पड़ सकता है। इसमें कोई दोहरा ही नहीं कि सरफराज ऐसा कर सकते हैं, वो एक बड़ी पारी बेंगलुरु में खेल सकते हैं। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उन्हें बड़ी और लंबी पारी खेलने की आदत पहले से ही है। हाल ही में ईरानी कप में उन्होंने दोहरा शतक भी लगाया था, और अब कुछ वैसा ही करने की उम्मीद उनसे बेंगलुरु टेस्ट में लगी हुई है। वहीं सरफराज के शतक से अब एक और टीम इंडिया के मैनेजमेंट की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि शुभमन गिल इस टीम में जब वापसी करेंगे तो फिर आपको सरफराज खान और केएल राहुल में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, और अब इस शतक के बाद सरफराज को बाहर बैठाना उनके साथ अन्याय करने जैसा होगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा।